हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि गायनेकोमेस्टिया जो कि प्रॉब्लम होती है पुरुषों में, वो जिम से या एक्सेसिव एक्सरसाइज से कम किया जा सकता है कि नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, मैं एक प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप बताते हैं कि गायनेकोमेस्टिया की जो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज या जिम से कितनी कम की जा सकती है, और इसका परमानेंट सोल्यूशन है एक्सरसाइज या जिम की नहीं। तो बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं कि बताते हैं कि दो दो तीन तीन साल से या उससे ज़्यादा पेशेंट एक्सरसाइज करते रहते हैं, पर उनकी गायनेकोमेस्टिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो चेस्ट फैट होता है काफ़ी रेजिस्टेंट होता है, और वो काफ़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करने के बाद भी थोड़ा बहुत कम होता है, पर ग्लैंड की साइज में कोई चेंज नहीं आता है। अगर आप ज़्यादा वेट लूज करोगे तो शायद ग्लैंड और प्रोमिनेंट नज़र आने लगे। तो इससे रिलेटेड जो पेशेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, गायनेकोमेस्टिया के जो पेशेंट होते हैं एक्सरसाइज करते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि गायनेकोमेस्टिया की जो प्रॉब्लम है जिम से प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं होती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गायनेकोमेस्टिया जो कि एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, जो कि इसका इलाज संभव है, उसमें लाइपोसक्शन करते हैं और ग्लैंड रिमूवल किया जाता है, जिससे गायनेकोमेस्टिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।